हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो देखिए आज मैं अपने न्यू ब्लॉग में क्या करती हूँ। तो फैली फ्रेंड्स, अभी बज रहे सुबह के 9 बजे। मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी दिव्यांश के लिए, और यहाँ पर मैंने चटनी बना ली है प्याज टमाटर हरी मिर्ची की, और रोटी बना रही हूँ मैं अभी दिव्यांश के लिए, बिकॉज दिव्यांश को भूख लग रही है। तो सुबह सुबह उसके लिए खाने के लिए केले भी खत्म हो गए थे, तो मैं सोच रही थी चलो उसके लिए एक रोटी डाल देती हूँ। खट पर आओ दिव्यांश, आओ इधर, चलो खाना बन गए, चलो खाना खाओ, बॉल से बाद में खेलना। थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें धनिया, धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी दिव्यांश को, पापा को और भानु को, तीनों को खाना मैंने खिला दिया है, और अभी सप्ताह पे हल्दी चढ़ रही है। तो मैं सप्ताह पे हल्दी कैसे चढ़ रही है देखने जा रही हूँ, क्योंकि कल नहीं गई थी मैं देखने के लिए, उस पर कल भी हल्दी चढ़ी थी। तो अभी जा रही हूँ, दिखाऊंगी आपको। भाई साहब चढ़ गई आज, रह गए हम तो। तो भाई साहब रोटी बन रही है, भाभी जी तो की भाभी जी ये सारी रोटी बना रही हैं चूल्हे पर बैठकर, और इधर हल्दी की रस्मों की तैयारी हो रही है। आप लोग देख सकते हो सारी लेडीज मोहल्ले की आ चुकी हैं। देख ले सविताए, चल दे हल्दी चढ़वा भी। तो दुल्हन चल रही है चौक पर बैठने के लिए। अब चौक पर बैठ कर इस पर चढ़ेगी हल्दी। ये हमारी पड़ोस की दीदी, और जैसे कि बहन हो या फिर भाभी हो, वो सभी हल्दी चढ़ाती हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके की रीति रिवाज हैं, इस तरीके से हल्दी चढ़ाते हैं। और ये जो साइड में हैं, ये भाभी जी हैं, ये पड़ोस की भाभी जी हैं, ये हल्दी में पानी डाल रही हैं, हल्दी बना रही हैं। और जो भी हल्दी चढ़ाने के लिए तो इस तरीके से कटोरी, कटोरे में अनाज लेके आएंगे, अनाज लेके आएंगे गेहूँ का। जान रखियो कल की तरह तो सुपर रहेगा। दिव्यांश, दिव्यांश कहाँ है? बाबा पास। ओके, बाबा पास है दिव्यांश, उसको छोड़े है तुम घर पे? क्यों, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है? नहीं है फ्रेंड? ओहो, फ्रेंडशिप तोड़ दी उससे तुमने? फ्रेंडशिप है तो दिव्यांश से तुम्हारी? नहीं है? ओहो, कुट्टा कर दी? कैसे करी कुट्टा? कैसे करी? ऐसे करी? कैसे करी? मैं तो मौना दुबे ऐसे घूम रहे, जल्दी से भाग गई मैं तो सरता के घर। तो सहेली है नहीं है? और बता सहेली कहाँ है? रो बढ़िया लाली कहाँ है? रो है तो ये बाड़ी देखा है, खेतों की देख रेख करते हैं। तो सभी पूरे मोहल्ले वाले इनको जैसे चंदा डाल के पैसे देते हैं, तो पहाड़ी जैसे खेतों में आ जाती है पहाड़ी और कायर वगैरह, वो इनको भगाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर, बिकॉज लाइट आ गई है, पानी भरना है मेरे को घर जाके। घर पे छोड़ के जा रही हूँ, बेसन चावल दे आना घर पे, ठीक है? पानी आएगा, पानी भर लू जाएगी घर जाएगी। लाला कहाँ है? लाला अरे नहा लो, चलो पानी आएगा, पानी आएगा नहा लो।
तो दिव्यांश मैंने यहाँ पे नहला दिया है, नहा धो के बच्चा आराम से खेल रहा है। अंदर से मेरी न्यू स्लीपर्स लाके डिब्बा फाड़ के फेंक दिया, न्यू स्लीपर्स से खेल रहा है बच्चा। तो मैं अभी नहा ली हूँ, नहा के सारे कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं, यहाँ पर तार पर डाल दिए हैं कपड़े सारे, और आज पोछा लगाया क्योंकि रात को इतनी ज्यादा आंधी आई थी, शाम को बहुत ज्यादा पूरा घर धूल से अट गया। सुबह पूरे घर में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद सारी अलमारी वगैरह सब साफ की, और साफ करने के बाद फिर सेकंड बार झाड़ू लगाया तो, और अभी मैं जा रही हूँ सप्ताह के घर खाना खाने के लिए। कई बार आ गए वहां से बुलाने के लिए, उसकी मम्मी भी आ गई एक बार। पत्तल पे चावल, दो रोटी और ये हो गया बेसन पानी। अभी दिव्यांश को मैं खाना खिला देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ सप्ताह के घर से खाना खाकर। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर लेट गई हूँ बिकॉज दिव्यांश यहाँ पर सो गया है, और दिव्यांश कम से कम एक घंटा सोएगा, ये सोएगा तो मैं भी इसके साथ एक घंटा आराम कर लूंगी, और एक घंटे बाद मैं जाऊंगी सप्ताह की मम्मी की थ्रेडिंग शेड करने। दुल्हन का लहंगा आ गया है, मैं दुल्हन का लेना दुल्हन का लहंगा आ गया है, मैं दुल्हन का लहंगा देखने के लिए जा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी दुल्हन का लहंगा, बहुत जबरदस्त है। तो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ दुल्हन का सामान। ये है लहंगे के साथ की जूती, बहुत ही प्यारी जूती लग रही है, छोटा पैर है इसका तो छोटी जूती है, और ये है जबरदस्त लहंगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लहंगा है, और देखने में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत भारी है ये, बहुत भारी है, मेरे को लग रहा है इस पे सदेगा भी नहीं। और ये है लहंगे के साथ के जो साइड वाली लटकन, और ये है ऊपर वाली चुंदड़ी, और चुंदड़ी पे लिख रहा है सौभाग्यवती भव। और ये देखो, और ये है चूड़ा लहंगे के मैच का, गोल्डन कलर, गोल्डन ही सिल्वर कलर और मेहरूम कलर का, बहुत ही प्यारा है। तो अभी मैं बना लेती हूँ पापा जी के लिए चाय, क्योंकि पापा जी गए टॉप पर, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं घेर पर, कहीं कहीं बोलते हैं घेर पर, हमारे यहाँ टॉप पर बोलते हैं, टॉप पर गए हैं पापा जी, और मैं उनके लिए भी बना रही हूँ चाय चादान में। दिव्यांश अभी सो रहा है जगने में ही है, वो भी थोड़ी बहुत चाय पी लेगा, वैसे पीता तो नहीं है बिल्कुल भी दूध या चाय वगैरह कुछ नहीं पीता है, वैसे टेस्ट के लिए पी लेता है थोड़ा बहुत, जैसे पापी वगैरह उनके साथ खा पी लेता है। तो मैं यहाँ हूँ दो दिन पहले अपने घर, यानी कि अपने गाँव में, दो दिन से कंटिन्यू लग रही हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, आज कर लिया, कल तो नहीं बिल्कुल भी नहीं किया था, आज कर लिया है एक घंटे आराम, और पूरा किचन साफ किया है, पूरे दोनों कमरे साफ किए हैं, बरांडा साफ किया है, बरांडा साफ करने के बाद पूरा घर साफ किया है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि मम्मी से तो इतना सारा काम होता नहीं है, घर का भी घेर का भी। वैसे भी मैं कहीं भी जाऊं, घर पे यहाँ पे आऊं, गांव में आऊं, ससुराल में जाऊं, बरेली में जाऊं, यानी कहीं पे भी जाऊं, मुझे डायरेक्ट जाते जाते बैग रख के सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को गंदा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज दिस इज माई राइट हैबिट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फैला हुआ सामान, गंदा घर, और मुझे अच्छा लगता है साफ करना और घर को साफ रखना। इधर हमारा इन्वर्टर बोल गया है, बिकॉज इन्वर्टर में थोड़ी सी खराबी चल रही है, पता नहीं इन्वर्टर में चल रही है या बैटरा में चल रही है, पता ही नहीं। बातों ही बातों में अदरक डालना तो बिल्कुल भूल ही गई चाय में, बहुत चाय बहुत देर से बॉयल हो रही है। ये है मेरे दूर के चाचा जी, और अभी बता रहे हैं मैं तेरे ब्लॉग देखता हूँ हर रोज, ये मेरे ब्लॉग देखते हैं, अभी ब्लॉग देखते हैं, आप मेरे ब्लॉग देखते हैं? हाँ, तो कैसे लगते हैं ब्लॉग, बढ़िया लगते हैं? बढ़िया, सब ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया लगते हैं ब्लॉग मेरे। और ये मेरे दूर के चाचा जी हैं, ये मेरे हर रोज ब्लॉग देखते हैं। अभी मैं जा रही हूँ दिव्यांश के लिए कुछ दुकान से लेने के लिए सामान वगैरह। दिव्यांश जग गया है अभी, मम्मा लाई है अभी शॉप से तुम्हारे लिए। अरे वाह सुनी, कैसी लगी? अच्छी, चलो टॉप पे चल रहे हैं अब, ठीक है, नाना जी के पास चल। कन्नू बंदर ले गया मेरी चप्पल को, देख वो काट रहा बैठ के, देखिए नई चप्पल है बिल्कुल कोरी, देख वो काट रहा बैठ के नहीं आराम से। अभी मैं और दिव्यांश दोनों यहाँ बैठे थे आराम से, मैं दिव्यांश को खाट पर बैठकर वो चावल और बेसन खिला रही थी, और बंदर मेरी अभी स्लीपर ले गया, एक बिल्कुल नई स्लीपर थी, मैंने कल ही निकाली थी अपने लिए, अभी बच्चे आए हैं, मैंने बच्चे बुलाए हैं दो तीन, और वो भगा रहे हैं उसको, चप्पल लेके आ रहे हैं मेरी। मिल गई चप्पल, मिल गई, अरे यार तोड़ दई सबरी, नई चप्पल तोड़ दई। तो अभी सविता के मेहंदी वाला आ गया है मेहंदी लगाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी मेहंदी लगवा रही है वो। मैं भी ओहो नाम लिखवाया भाई का था सचिन, मैंने लिखवायो, मैंने तो नेक लिखवायो, एस लिखवाई खाली, अरे एस ते ही वाको स्टार्ट है, एस ते ही मेरो क्या बात है, मस्त करी है, तो थ्रेडिंग सेट देखी है, सही करी है ना सविता, वो देखी हूं, अरे कौन दिखा रही है, तेरे तो सही ना भाई,
अब कर दूंगी सर, अभी करनी पड़ेगी। दूध जाओ, दूध जाएगा इसमें। ओके, शादी के लिए दूध जा रहा है भाई, टंकी धो रहा है भाई लड़का। मोर आ गया, मोर भाग जाएगा, रुक। वो शाम हो गई है ना, वो अपने घर गया। चलो अब तुम चलो घर। तो अभी हो गई है शाम, दिव्यांश बोल रहा था मम्मा मुझे टाप पर लेके चलो। तो ये हमारी पुरानी टाप, आप लोग देख सकते हो, ये जो पीपल का पेड़ है सामने, ये हमारी पुरानी टाप है, और वहाँ उधर हमारी नई टाप है। तो अभी शाम को मैं इस दिव्यांश को घुमाने के लिए लेके आई थी इधर, और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैं अब जाऊंगी घर, घर जाके खाना वाना बनाऊंगी। और फाइनली फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।